एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वेद सांग पद क्रम उपनिषद गायंती यम सामगः। वेद ऋचाओं के द्वारा ऋषिगण सिद्धगण उस परम ब्रह्म की स्तुति करते रहते हैं। इस कारण उनकी आत्मा में दिव्यता को वे प्राप्त करते हैं और अपनी विशिष्ट दृष्टि से संसार को देखते रहते हैं, करुणामयी दृष्टि से देखते हैं और हम लोगों पे अमृत बरसाते रहते हैं। हमारा विश्वास है कि वे प्राचीन ऋषि आज भी सतयुग के ऋषि, त्रेता युग के ऋषि, कृष्ण महाराज के समय तक के ऋषि अभी इस पृथ्वी पर हिमालय में दूसरे स्थानों में विद्यमान है। जैसे हमारा विश्वास है कि काकभुषंडी ऋषि हैं, वे उत्तराखंड में आपका मेरु पर्वत है, मेरु सुमेरु दो पर्वत हैं, मेरु पर्वत पर कल्प वृक्ष के नीचे उनका स्थान है और वहीं पे काकभुषंडी सरोवर है, उनका आश्रम है जहाँ गुप्त रूप से वो निवास करते हैं। गुप्त रूप का मतलब यह है कि उनके स्थल में, तपोस्थली में वो ही लोग प्रवेश कर सकते हैं जिनको वो चाहेंगे। संसारी लोग तो कामनाओं से भरे रहते हैं, उनको ईश्वरीय ज्ञान की कोई जरूरत नहीं होती। मान लीजिए कोई व्यक्ति जाएगा भी तो अपनी तरह तरह की जिज्ञासाएं और तरह तरह की अपनी परेशानियां रखेगा। वे उच्च आत्माओं का एक मंडल है वहां पर, जिनका कार्य अपने लिए नहीं है, केवल हम लोगों के लिए, जो हम लोग संसार में धक्के मुक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आम आदमी को सहूलियत पहुंचाने के लिए वे ऋषिगण, ऋषि आत्माएं दिव्य विज्ञान के द्वारा कार्य करते रहते हैं। बहुत कुछ ऐसा घटित होने वाला होता है इस पृथ्वी पे जो अशुभ होता है, लेकिन वे उसको नॉर्मल कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। कभी हमारे वैज्ञानिक कहते हैं अब पानी नहीं रहेगा, पानी की कमी हो गई है, हैं? तो उसको वो संतुलित रखते हैं, जल को संतुलित रखते हैं, पर्यावरण को संतुलित रखते हैं, हमारे जो मानसिक दबाव पड़ते हैं दूसरे नक्षत्रों की किरणों के कारण और किसी कारण से, उनको वो नॉर्मल करते रहते हैं। वे ऋषिगण, वे देवगण आज भी हमारे मनुष्य समाज पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, यानी ईश्वर ने उनको ये कार्य दिया हुआ है कि वे हम लोगों के लिए कार्य करें। जैसे आप लोग अपने समाज के लिए पत्रकार कितना कार्य करते हैं और कि हमारा समाज उच्चता में जाए, हमारे नवयुवक नशा ना करें, ये सारी कामनाएं रहती हैं और तरह तरह से इनके लिए कार्य भी करते रहते हैं, उनको सुझाव और सजेशंस देते रहते हैं। ऐसे ही हमारा शिष्ट ऋषि मंडल है। और आत्मा के स्तर पे हमारा उनसे मिलना भी हुआ है, संवाद भी हुआ है, जिनमें आप सुनते होंगे अश्वत्थामा हैं, वो भी अभी हैं, महाभारत काल के हैं, 5000 वर्ष से अधिक समय, परशुराम जी हैं, हनुमान जी त्रेता युग के हैं, प्रभु राम के समय के, वो भी मौजूद हैं। इन ऋषियों का ऐसा मंडल है, गोपनीय मंडल है, कहीं कहीं किसी पे प्रकट हो भी जाते हैं,
कहते हैं श्रीलंका में 40 वर्ष के बाद हनुमान जी एक विशिष्ट स्थान है कबीला, वहाँ पे जाते हैं, 3 रात्रि उन लोगों के बीच में निवास करते हैं, रहते हैं। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों के ऊपर हमारे ही पूर्वज पितरगण, ये पितृपक्ष है, वे पितरगण हैं, देवता हमारे पितरगण हैं, जो हमारे लिए बहुत कुछ, इतना कुछ करते रहते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मृत्यु के देवता भगवान यम हमको शरीर से निकाल के ले गए थे और बहुत देवताओं से, ऋषियों से, सिद्धों से उन्होंने हमें मिलवाया और वहाँ सब दिखाया। पृथ्वी के ऊपर भी बहुत से स्थान हैं कि ये स्वर्ग है, ये नरक है, ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये सिद्धों का लोक है, वो सब उन्होंने दिखाया, ये फरिश्ते हैं। इन चीज़ों की हम कल्पना करते हैं या टीवी सीरियल में देख लेंगे, कोई प्रोग्राम होगा फरिश्ते उड़ रहे हैं, वो तो काल्पनिक बनाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने हमको दिखाया और ये बताया कि तुम इन चीज़ों को दूसरों को बताना भी, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं लोग कहते हैं इनको बताना नहीं चाहिए, हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कहा ये चीज़ें बताना जिससे लोगों को जानकारी हो कि हमारे जो संसार है उससे ऊपर भी सुपर पावर्स हैं जो हमारी रक्षा के लिए हैं, हमारे विध्वंस के लिए नहीं हैं। इस पृथ्वी की रक्षा के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए, हमारे संस्कारों की रक्षा के लिए, हमारी शांति की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए वे आत्माएं निरंतर हम पे अपने यंत्र लगाए रहते हैं। रुड़की में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, दिल्ली में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, उनके वो यंत्र भी उन्होंने मुझे दिखाए। ऐसे सूर्य की तरफ को किया तो सूर्य में भी दिखाई देने लगा, जैसा हमारा ये पृथ्वी पे मनुष्य है ना, सूर्य में भी सृष्टि है, वहाँ अग्नि प्रधान पुरुष हैं, सृष्टि है, जिनको हम देवी और देवता कह सकते हैं, दिव्य आत्माओं का वहाँ विचरण, सूर्य जिसको हम अग्नि अग्नि का गोला समझते हैं वहाँ भी है। तो ये मैंने आपसे अपनी बात रखी है, आप इस पे विश्वास भी कर सकते हैं, अविश्वास भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा तो ये सत्य वक्तव्य है। वो महाराज, इसमें सामान्य रूप से हम सब सामान्य लोग हैं, जो अभी आप, मैं भी सामान्य हूँ, मैं कौन सा विशिष्ट हूँ, विशेष थोड़े हूँ। स्वर्ग में गए हैं, यमराज जी आपको ले गए, और सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि यदि कोई ले जाता है, प्राण हमारे निकल गए, आत्मा निकल गई, तो मृत्यु हो गई, फिर वो दोबारा उसमें प्रवेश नहीं करती, ऐसा मानते हैं, ऐसा सामान्य लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन ऐसा आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने रिश्तेदारियों में, अड़ोस पड़ोस में या अखबारों में ऐसी चीज़ें देखी सुनी होंगी, फला आदमी मर गया और उसको उन्होंने नीचे उतार लिया, मर गया नीचे उतार दिया कि अब इसकी कफन काठी होनी है, और एक आध घंटे बाद वो फिर जीवित हो जाता है। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, हमारे क्षेत्र में हुई हैं। एक गांव है नवादा चौहान, वहाँ पे एक व्यक्ति थे सुखलाल सिंह चौहान, उनके साथ में ये घटना हुई थी, वो मर गए थे और उन्होंने बताया कि मुझको काले काले आदमी पकड़ के ले गए, शरीर पड़ा इधर, वो शरीर को भी देख रहे हैं, शरीर इधर पड़ा है, और वो उनको ले गए आसमान में ऐसे, और वहाँ पे जाके देखा तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले देवता कोई बैठे, और उन्होंने खोली किताब, ओहो ये नहीं है, दूसरे गांव के सुखलाल सिंह, इनको तुरंत छोड़ के आओ, दूसरों को देख के आओ। ये इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में अक्सर होती रहती हैं, तो वो दोबारा प्राण आ जाते हैं। ऐसे यमराज जी हमें ले भी गए और सारी चीज़ें उन्होंने दिखा भी दी, और फिर शरीर में वापस इसलिए छोड़ा कि इस सत्य का उद्घाटन हम अपने मनुष्य समाज में लोगों के बीच में करें। ऐसा ही प्रसंग शायद सती सावित्री और यमराज जी, सती सावित्री का वो तो बहुत प्राचीन है, उसको लोग अब काल्पनिक समझने लगेंगे,
लेकिन क्योंकि मेरा अपना स्वयं का अनुभव है तो मैं तो इसको सत्य मानता हूँ। मेरी दीदी के ससुर जी को भी ले गए थे। ऐसा होता है। हाँ, ये घटनाएं होती रहती, पुनर्जन्म की घटनाएं भी होती रहती हैं। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। और हमारे यहाँ एक देवता हैं, आश्रम में रहते हैं, चरण सिंह, उनकी माता जी मर गईं और फिर वो वापस आ गईं कि मुझे तो ले गए थे और वहाँ एक कुर्सी पे बैठाया और ये तो सन्यासी की माता है, इस तरह से कह के उनका आदर किया उन्होंने। और फिर कहा कि तुमको थोड़ा सा समय है, अगले दिन फिर ख़त्म हो गई हमेशा के लिए। समय दिया था लगभग 40 दिन बाद, 40 दिन बाद आपको हाँ इस समय वापस आना है। दोबारा जब उन्होंने आके बताया कि 40 दिन बाद इस समय वापस जाना है तो उसी दिन वापस। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है, ये सत्य है। तो उस सत्य को तो मानेंगे ना। एक और कोई महिला थी, उसके त्रिशूल का दाग लगा दिया, गर्म त्रिशूल करके सिर पे, तो उसके बाल जल गए थे। पिलखवे की थी, पिलखवा है, इधर दिल्ली को जाते हुए पड़ता है। तो और जब वो आई, उसने दिखाया, हाय मैं तो त्रिशूल मारा, तो निशान शरीर यहाँ पड़ा और जीवात्मा वहाँ थी और निशान इस शरीर पे आ गया, उसके बाल जल गए कि आज से तू मीट मांस मत खाना नहीं तो तेरी दुर्गति कर देंगे। वो मछली मुर्गे खाती होगी ऐसी। ये घटना कौन सी आयु में और कहाँ पर आपके साथ? कौन सी? जब यमराज जी प्राण ले गए आपके। ये तो जो हमारा स्थान है फुलसंदा, जो मेरा पैतृक ग्राम है, वहीं पे हुआ था और 19 वर्ष की अवस्था में ये घटना हुई थी। और उसके बाद एक बात और मैं आपको बताऊं, वो बार बार मुझको कहें तुम कहते क्यों नहीं, कहो। मैंने कहा लोग मुझे पागल बताएंगे, ये कहेंगे इसका दिमाग हिल गया है, या ये कहेंगे ये झूठ बोलता है। कम से कम 5-7 आदमियों को आप कुछ ना कुछ अनुभव कराओ, जब वे कहेंगे उनके बाद में मैं कहूँगा। तो आप विश्वास कीजिए, 7 आदमियों को, उनमें एक मुस्लिम भी थे, यमराज जी ने 7 व्यक्तियों को ऐसे अनुभव कराए, उनको खींच खींच के परलोक, किसको यहाँ तक, किसको और आगे तक ऐसे ले गए, फिर छोड़ गए। फिर उन्होंने कहा ऐसा हुआ था। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं जी, हम तुमसे क्यों झूठ बोलेंगे। फिर उन्होंने कहा, फिर उसने कहा मैं तो शरीर से निकल गया था, ये हुआ। मैंने कहा भैया झूठ, तुम पे कौन यकीन करेगा कि नहीं जी, तुम चाहे रामायण पे हाथ रखवा लो, कहीं भी हाथ रखवा लो, मंदिर में कसम खिलवा लो, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा तो भाई अब मेरी सुनो, मुझको तो तुमसे पहले ये अनुभव हुआ था और मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों पे विश्वास भी लोग नहीं करते हैं। मान लीजिए आपका व्यक्तिगत कोई अनुभव है तो आप खुद ही तो जानते हैं उसको, आपके पास कुछ प्रमाण तो है नहीं। जब मुझको वरुण लोक में ले गए यमराज जी, तो वहाँ से मैंने सच्चे मोती उठा लिए, ऐसे बिखरे पड़े थे बहुत। बोले क्या कर रहे? मैंने कहा ये ले जाके हम नीचे दिखाएंगे कि हम होके आए। बोले नहीं नहीं नहीं, यहीं डाल दो, यहीं डाल दो। मैंने कहा तब तो कोई बात ही नहीं रहेगी। बोले यहाँ के नियम के विरुद्ध है ये, आप मत ले जाओ इनको। उन्होंने लाने नहीं दिए, तो उनके कुछ नियम होंगे। हाँ जी, ये सतपुरुष शब्द है जी, सतपुरुष कहते हैं। प्राय समाज में जो है ये शब्द पहली बार, मतलब पढ़ने में तो आया है कहीं कहीं, लेकिन सुनने में नहीं आता जल्दी। सतपुरुष ये है क्या, या क्या उपाधि है, क्या इसकी व्याख्या? उपाधि कुछ नहीं, ये परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्यम है। तो जो उसके अंश हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, उसके बच्चे हैं, जिनको वो प्यार करता है, हैं, वो सत्पुरुष कहलाते हैं, जो अपने जीवन को सत्य में स्थित कर देते हैं। तो आपने बहुत बड़ा काम किया, जैसे जानकारी मिली है कि चारों वेदों को आपने गाया है। वास्तव में ये काम तो जो अनादिकाल के ऋषि थे उनके बारे में कहा जाता था, आपने बड़ा काम किया। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से हुई कि भाई ऐसे इतना बड़ा काम मुझे करना चाहिए? इसे वास्तव में महान कार्य है इस लोक में, इस युग में, इस सृष्टि में चारों वेदों का जो है अध्ययन करना, गाना। हाँ जी, हाँ जी, मैं बताता हूँ। अक्सर मैं वेद ऋचाओं का गायन करता था, सामवेद मैं गाता था, और उसमें से कुछ
ऋचाएँ यहाँ से गा दें, कुछ वहाँ से गा दें, कुछ वहाँ से गा दें। इस तरह से मैं गाता था और मैं संगीत का विद्यार्थी रहा। आज भी मैं रुद्र वीणा बजाता हूँ जब आश्रम में होते हैं। तो हम लोग जगन्नाथपुरी गए, वहाँ के जो देवता हैं जिनको हम कृष्ण महाराज, कृष्ण और बलराम और सुभद्रा, ये तीन मूर्तियाँ वहाँ पे हैं। लेकिन जो प्राचीन वहाँ के अधिष्ठाता देवता हैं वे हैं नील माधव, वो विष्णु का कोई रूप है। वे अपने दो सेवकों को लेकर के आए। जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे जिस कक्ष में, और दरवाज़ा बंद, तो वे दो सेवक तो बाहर और वो अकेले अंदर आ गए, और मैं तो लेटा हुआ था और मुझसे उठा नहीं गया। मैंने सोचा इनका स्वागत करूं, प्रणाम करूं, कुछ नहीं, शरीर ऐसे हो गया जैसे जड़ हो जाता है, पत्थर हो जाता है। वो आकर के मेरे पास बैठे, बोले देखो वेदों का सही प्रकार से विधिवत तरीके से प्रचार करो, एक एक ऋचा, एक एक ऋचा, कोई छूटनी नहीं चाहिए, इस तरह से आप उसका गायन करो। उन्होंने आज्ञा दी, प्रेरणा दी, और मैंने वो शुरुआत की। और इसमें 5 साल से ज़्यादा हमें समय लग गया उसको गाने में। गायन वेद तो एक ही है, सामवेद, बाकी सबका पाठ करने का मुझको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारी परमेश्वर की कृपा से पूरी होगी। बड़ा कठिन काम है। ये कहाँ से उपलब्ध होगा आपका जो आपने? यूट्यूब पे एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा आप लिख के, और उसके सामने जिस वेद का नाम आप लिखेंगे, ऋग्वेद या यजुर्वेद, साम, जो भी, उसकी ऋचाएँ आपके सामने आ जाएंगी, उनको आप सुन सकते हैं। हाँ जी, लोग नहीं मानते। अब मानने को तो जिनकी बुद्धि जैसी है वो वैसा ही उनका व्यवहार है, वैसा ही विश्वास है। पितर देखिए, एक तो वे हैं जो जीवित हैं, जीवित हैं, हमारे पिता हैं, दादा हैं, परदादा जो अभी मौजूद हैं, हमारे गुरुजन हैं, विद्वान पुरुष हैं, वे सब पितर कहलाते हैं। उनका हमें हमेशा आदर करना चाहिए, उनका आशीष प्राप्त करना चाहिए। एक पितर हमारे वे हैं जो मर चुके हैं, पिताओं की श्रृंखला में पूर्वज जो हैं वो हमारे पितरगण हैं, और वो अपने अपने स्थानों पे विद्यमान रहते हैं। उनकी स्मृति में श्रद्धा पूर्वक हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और जैसे भोजन वगैरह कराते हैं तो ये परंपरा गलत नहीं है, ये ठीक है, ये हमें करनी चाहिए। अब विश्वास की बात तो वही है ना, जिन्होंने, जिनको कुछ पता ही नहीं तो विश्वास क्या करेंगे, हैं? क्योंकि वर्तमान में इतनी सारी घटनाएं हुई हैं साधु संतों के साथ, बाबाओं के साथ, जिन्हें साधु संत कहते हैं, अनेक बाबाओं के साथ आज जेल में भी हैं, मतलब कथनी मन वचन कर्म से वो अलग निकले हैं, कार्यों से अलग, तो बड़ी तेजी के साथ आस्था घटी है। और तो ये जो है कैसे श्रद्धा कैसे कायम हो सकती है? आप ठीक कह रहे हैं, कैसे विश्वास, श्रद्धा घटी भी है कुछ लोगों की वजह से, लेकिन हम उनको देखें ना, जो मोदी हैं वो भी तो महात्मा ही हैं, जो कैलाश में गुफा में जाके ध्यान कर रहे हैं, हैं, एक रात एक दिन ध्यान में निमग्न है, वो भी तो महानात्मा है, महात्मा है। ऐसे लोगों का चिन्हीकरण कैसे होगा? है, हाल ही में चिन्मयानंद वाला मामला है ना, स्वामी चिन्मयानंद का। मैं ये कह रहा हूँ, हमारा जो ये समाज है, आप लोग हैं, आप अभी लाल कपड़े पहन लीजिए तो क्या आपकी सब प्रवृत्तियाँ बदल जाएंगे? काम, क्रोध, लोभ, क्या ये एकदम से हाथ के हाथ नष्ट हो जाएंगे लाल कपड़े पहनते? हाँ या ना में बताइए आप मुझको, नहीं होंगे ना, नहीं हो सकते। तो इनके लिए तो जन्म के जन्म लग जाते हैं, जन्म के जन्म साधना में और तप में लग जाते हैं। नाम आया है चिन्मयानंद जी का, बहुत बड़ा नाम है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे वो, और मंत्री से पहले संत ना, संत रहे, संत, और संतों में हमारे योगी जी हैं, आदित्यनाथ योगी है ना, संतों के नाम से बदनाम हो रहे हैं, संतों के नाम से, ये कष्ट का विषय है ना।
इस तरह के कई मामले आए हैं पहले भी, वो आते रहते हैं, लेकिन हमारा एक नज़रिया पॉजिटिव भी तो होना चाहिए ना। हमारे योगी जी हैं, आदित्यनाथ योगी हैं, वो भी संत हैं, हैं उनकी गुरु परंपरा है, उनके जो गुरु थे नहीं जो दूसरे थे ना उनसे पहले, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो भी सांसद भी रहे हैं और बड़े कर्मनिष्ठ व्यक्ति रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग हर एक डिपार्टमेंट में होते हैं, हैं आपके डिपार्टमेंट में भी होंगे, तो हमें अपना सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए और समाज को हमें पॉजिटिव की तरफ ले जाना चाहिए, उच्चता की तरफ ले जाना चाहिए, कभी निराश नहीं होना चाहिए और निगेटिविटी में जाना नहीं चाहिए। वर्तमान में राष्ट्र का क्या, अपने भारत का क्या भविष्य दिखाई देता है? बहुत अच्छा, सुनहरा सुनहरा सुनहरा, हमेशा अच्छा। शुभ शुभ सोचिए, सब शुभ होगा, उससे हमारी मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। अगर हम पहले ही ये मान के बैठ जाएं हम तो हार जाएंगे, हम तो मर जाएंगे, हम तो तबाह हो जाएंगे, हैं, तो घर बैठे ही आदमी हार जाता है। हमारा मनोबल उच्च होना चाहिए, हमारा आत्मिक बल ऊंचा होना चाहिए, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए, शुभ होने चाहिए, तो हमारे राष्ट्र का तो हमेशा कल्याण होगा ही होगा। ये तो देवभूमि है, देवताओं से संरक्षित है। यस्य छाया अमृतम, परमात्मा ने अपनी करुणा की हमारे ऊपर छाया की हुई है, तो हमारा तो अनिष्ट होना ही नहीं है। ऐसा सोच के हमें कार्य में लग जाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, सेख चिल्ली की तरह नहीं बैठना चाहिए कि अब तो कुछ होगा नहीं, आँख बंद करे बैठे हैं, चूहों की तरह बिल्ली आई और झपट्टा मार गई, ऐसा नहीं। शांत हृदय से शुभ शुभ सोचते हुए हमें खूब 10 आदमियों के बराबर अकेले जब हम काम करेंगे तो हम अपने राष्ट्र को उच्चता में ले जाएंगे। हाँ जी राम कुमार जी, मन की कोई बात किसी भी प्रकार की सभी से प्रार्थना है जी, कोई उलझन कोई बात, क्योंकि साधु संतों के सामने माता पिता की तरह से आप सारी बात बोल सकते हैं, सब बात कह सकते हैं। अच्छा, उसका समाधान मिलता है, उसका समाधान मिलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए मुझे सूचना मिली थी।